नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना में करीब 30 साल तक सेवा देने वाले युद्धपोत विमान INS विराट की, जिसे भारत में ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो युद्धपोत है INS विराट, अब अपनी आखिरी यात्रा पर निकल पड़ा है। शनिवार को अपने आखिरी सफर पर निकले INS विराट को साल 2017 में ही क्या कर दिया गया था, इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया था या डिकमीशन कर दिया गया था। शनिवार को यह मुंबई से गुजरात के लिए निकल पड़ा है। अभी तक ही मुंबई में लंगर डाले हुए खड़ा था, तो गुजरात का जो भावनगर है वहां अलंग में स्थित जहाज को तोड़ने वाला जो एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, वहां यह लगभग रविवार रात को या सोमवार तक यह पहुंचेगा। अपनी सेवा के दौरान इसने लगभग 10 लाख समुद्री किलोमीटर या हम कहें 7 लाख मील से भी अधिक दूरी को तय किया है। यह जो दूरी है वो लगभग पृथ्वी के 27 चक्कर लगाने के बराबर भी है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसकी खास बात क्या रहा है इस INS विराट का, और इसने अभी तक सफर में क्या क्या पड़ाव पर इसने काम किया है। तो 6 मार्च 2017 को भारत के सबसे पुराने विमान वाहक युद्धपोत INS विराट को सेवानिवृत्त कर दिया गया था। युद्धपोत INS विराट का नाम सर्वाधिक लंबी सेवा देने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इस युद्धपोत को 18 नवंबर 1959 को ब्रिटिश रॉयल नेवी में HMS हर्मिस के नाम से शामिल किया गया था। मतलब ये जो विमान वाहक जो हमारा INS विराट है, ये पहले किस में शामिल था, ब्रिटिश नेवी में शामिल था, और हम लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश से या ब्रिटेन से इसको खरीदा था। ब्रिटिश नेवी में 27 वर्ष की सेवा देने के दौरान वर्ष 1974 में ऑपरेशन मर्सी में और 1982 में ऑपरेशन फॉकलैंड युद्ध में भी क्या किया था, इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसमें भाग लिया था। ये जो ऑपरेशन फॉकलैंड है, एक्चुअली में क्या हुआ था, 1982 में ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच लगभग 10 सप्ताह तक और ये फॉकलैंड युद्ध चला था। यह युद्ध दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित देश अर्जेंटीना के पूर्वी तट के निकट फॉकलैंड द्वीप समूह, दक्षिण जॉर्जिया एवं सैंडविच द्वीप समूह के दो ब्रिटिश अधीन क्षेत्रों पर कब्जा प्राप्त करने के लिए लड़ा गया था। इन द्वीपों पर एक शताब्दी से भी अधिक समय तक ब्रिटेन का कब्जा रहा है, लेकिन अर्जेंटीना भी इन द्वीपों पर अपना कब्जा जताते रहा है। बात करते हैं 2 अप्रैल 1982 को इन द्वीपों पर अर्जेंटीना के कब्जा किए जाने के बाद ब्रिटेन ने इसका विरोध किया और अपने युद्धी जहाज इन द्वीपों के लिए रवाना किए गए। इन द्वीपों में जो युद्धपोत जो रवाना किए गए थे उसमें INS विराट भी शामिल था। 10 हफ्ते चले इस युद्ध, मतलब फॉकलैंड युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, 10 हफ्ते चले इस युद्ध में INS विराट की अहम भूमिका थी, क्योंकि ये एक विमान वाहक पोत था और अपने ऊपर में कई जंगी जहाज को लेकर के ये यहाँ तक आया था, कहाँ से, ब्रिटेन से लेकर नीचे अर्जेंटीना तक। तो 14 जून 1982 को अर्जेंटीना के सैनिकों ने अपने हथियार डाल दिए और ब्रिटेन का कब्जा पुनः उन द्वीपों पर बहाल हो गया था। वर्ष 1985 में इसे ब्रिटिश रॉयल नेवी से सेवानिवृत्त कर दिया गया था। 24 अप्रैल 1986 को भारतीय संसद ने इसे 63 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग में खरीदने का निर्णय लिया तथा 12 मई 1987 को भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त PC अलेक्जेंडर द्वारा HMS हर्मिज को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। भारतीय नौसेना के हिस्से के रूप में INS विराट का पहला कमीशन 1989 में ऑपरेशन जुपिटर में था। वर्ष 1986 में भारत श्रीलंका के समझौता टूटने के बाद श्रीलंका में शांति स्थापना के प्रयास हेतु भारत द्वारा ऑपरेशन जुपिटर भी प्रारंभ किया, जिसमें INS विराट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय नौसेना में रहते हुए युद्धपोत ने ऑपरेशन जुपिटर के बाद 1990 में इसे गढ़वाल राइफल्स और भारतीय सेना की स्काउट के रूप में संबद्ध कर दिया गया था। इस युद्धपोत से सी हैरियर, हार्पून, कमांडो कैरियर हेलीकॉप्टर, चेतक, उन्नत हेलीकॉप्टर ध्रुव और रूस के कोमोव 31 लड़ाकू विमान का संचालन किया गया है। मतलब काफी ज्यादा विमान, ये अपने लगभग 26 विमान को अपने साथ लेके ये चल सकता था और इतने जो विमान थे ये इसके ऊपर से उड़ाए गए थे। भारतीय नौसेना में 30 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान इसने कई अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे कि मालाबार अमेरिका के साथ, वरुणा जो
संयुक्त होता था सैन्य अभ्यास, वो फ्रांस के साथ, नसीम अल बहार ओमान के साथ, इन सभी युद्ध अभ्यासों में क्या किया था, इसने हिस्सा लिया था। साथ ही अगर मैं बात करूं सन 2001 में संसद हमले के बाद ऑपरेशन पराक्रम में भी आईएनएस विराट ने अहम भूमिका निभाई थी। दिसंबर 2001 में संसद आतंकी हमले के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के आदेश पर सीमा में सेना की तैनाती बढ़ाई गई। दिसंबर 2001 से जून 2002 तक भारत व पाकिस्तान ने सीमा पर 8 लाख से अधिक तैनात कर दिए थे और इस समय आईएनएस विराट की जो भूमिका थी वो अहम थी, क्योंकि आईएनएस विराट को भारत के पश्चिमी तट पर लड़ाकू विमानों के साथ तैनात किया गया था। भारत में इस युद्ध पोत को ग्रैंड ओल्ड लेडी या और माँ के उपनामों से भी पुकारा जाता है। इस युद्धपोत का आदर्श वाक्य रहा है जलमेव यस्य बलमेव तस्य। इसका मतलब यह है कि जो सागर पर राज करता है वह शक्तिशाली होता है। साल 2017 में सेवानिवृत्त होने के बाद आईएनएस विराट को अलंग के श्रीराम ग्रुप ने नीलामी में लगभग 38.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह जहाज मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से लंगर डालने के बाद अब यह अंतिम यात्रा पर अलंग के लिए रवाना कर दिया गया है। श्री राम ग्रुप के चेयरमैन मुकेश पटेल ने बताया है कि युद्ध पोत में काफी उच्च गुणवत्ता का स्टील का इस्तेमाल किया गया है और इसको डीकमीशन करने में लगभग 1 साल 9 महीने से लगभग 1 साल तक का समय लगेगा। साथ ही इस मटेरियल से उन्होंने ये भी बताया है कि मोटर बाइक्स बनाने का प्रस्ताव 2 कंपनियों के द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है और इस पर क्या है अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। संरचना में यह जहाज पूरा एक शहर की तरह था। आईएनएस विराट की लंबाई लगभग 226 मीटर और चौड़ाई 49 मीटर की है। यह जहाज अपने आप में एक छोटे शहर की तरह था जहां एक पुस्तकालय, जिम, एटीएम, टीवी, रेडियो और अस्पताल, दांतों के इलाज सेंटर और मीठे पानी का डिस्टिलेशन प्लांट जैसी सुविधाओं से ये लैस था। तो दोस्तों ये किस्सा था हमारे आईएनएस विराट का, जिसे 2 बार सेवानिवृत्त किया जा रहा है। पहली बार ब्रिटेन की आर्मी से और दूसरी बार 2017 में भारतीय इंडियन नेवी के द्वारा। तो यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक हमारा आईएनएस विराट है जिसको अब डीकमीशन किया जा रहा है। तो दोस्तों आप कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करके बताइए कि आपको जानकारी कैसी लगी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।